गुड आफ्टरनून एवरीवन, एक बार फिर से आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है क्लास 11 के स्टूडेंट्स को भी और नीट के स्टूडेंट्स को भी। तो ये एकेडमिक बेसिस पर और कॉम्पिटिटिव लेवल पर दोनों, और इवन जितने भी कॉम्पिटिशन है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए बी ओ सिस्टम, ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। ए बी ओ सिस्टम जरा इसको समझेंगे क्या है ये सिस्टम, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये बेस्ड होता है ऑन प्रेजेंस, ध्यान दीजिएगा, ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन रेड ब्लड सेल। ध्यान से समझिएगा, ये पूरा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये बेस्ड होता है प्रेजेंस या अब्सेंस पर एंटीजन ए और बी के रेड ब्लड सेल पर, और एंटीबॉडी अगेंस्ट दीज यानी एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं ब्लड सीरम। दोबारा समझेंगे, बड़ा शॉर्ट में समझेंगे। एबीओ सिस्टम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और ये ब्लड ग्रुप सिस्टम एक तरीके से बेस्ड होता है प्रेजेंस और अब्सेंस पर एंटीजन ए और बी जो कि रेड ब्लड सेल पे पाए जाते हैं, और एंटीबॉडीज इनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं जो कि ब्लड सीरम में पाई जाती है। ये चार्ट है, चार्ट को बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने ब्लड ग्रुप लिए हैं, ब्लड ग्रुप है ए बी, ए बी और ओ। ए बी, ए बी, ए बी और ओ, यहां पर देखिए जो एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी पर वो होगा ए के केस में ए एंटीजन, और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी यहां पर ये होगी एंटीबॉडी बी, जिसे हम लिख सकते हैं एंटी बी। और जो इसका जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये है कैपिटल ए कैपिटल ए और कैपिटल ए कैपिटल ओ। एक बार फिर से समझेंगे पूरा सिस्टम। एबीओ सिस्टम क्या है, एबीओ सिस्टम एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो बेस्ड होता है प्रेजेंस और अब्सेंस पर एंटीजन ए और बी के जो कि रेड ब्लड सेल पर पाया जाता है, और एंटीबॉडीज जो कि इन एंटीजन के खिलाफ होती हैं जो कि ब्लड सीरम में पाई जाती है। यहां पर टेबल देखिए, सबसे पहले ब्लड ग्रुप, फिर एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन द सीरम, और फिर जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए के केस में ए एंटीजन होगा, एंटीबॉडी बी होगी, और जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए और कैपिटल ए कैपिटल ओ। दूसरा केस आता है ब्लड ग्रुप बी का, बी के केस में एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, और जो एंटीबॉडी उस पर वर्क करेगी वो होगी एंटी ए। जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो होगी एंटी ए, और इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल बी और कैपिटल बी कैपिटल ओ। तीसरा केस हम लोग बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप में ध्यान दीजिएगा यहां पर दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, एंटीजन ए भी पाया जाएगा, एंटीजन बी भी पाया जाएगा, लेकिन यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, और इसका जो जीनोटाइप होगा दोस्तों वो होगा ए बी। अब यहां पर देखिए ब्लड ग्रुप है आपका ओ, और ब्लड ग्रुप जो आपका ओ है इस केस में एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाएगा, एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगी एंटी ए और एंटी बी। दोबारा देखिए, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, एंटीबॉडी दो पाई जाएंगी एंटी ए और एंटी बी, और इसका जो जीनोटाइप होगा, इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल ओ कैपिटल ओ कैपिटल ओ कैपिटल। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एबीओ सिस्टम समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आगे अपने दोस्तों को और आगे जो आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक के हों, बायोलॉजी से रिलेटेड, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल पर हैं, उनको इसको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहें। थैंक यू सो मच।